जिन कार्ड धारक के चरपहिया वाहन ट्रैक्टर 5 एकड़ जमीन सरकारी कर्मचारी को अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। जांच के बाद अगर अपात्र पाए जाते हैं तो बाजार भाव से रिकवरी किया जाएगा। यूपी में राशन कार्ड धारकों को बड़ा झटका, मुनादी कर सरकार ने की वापस करने की अपील। राशन कार्ड वापसी की मुनादी पर अखिलेश का तंज। राशन कार्ड के बहाने सरकार पर राशन पानी लेकर चढ़े अखिलेश। उत्तर प्रदेश में आजकल राशन कार्ड की खूब चर्चा हो रही है। जिस राशन कार्ड के जरिए गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है, आजकल वही राशन कार्ड यूपी के सियासतदानों के लिए राजनीति का विषय बन गया है। सरकार के राशन कार्ड वापसी के फैसले पर विपक्ष हमलावर है तो सत्ता पक्ष इसे गरीबों के फायदे की बताकर विरोधियों पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कुल मिलाकर राशन कार्ड आजकल यूपी की राजनीति में छाया हुआ है और जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनकी टेंशन बढ़ गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला किया है और कुछ शर्तों के साथ राशन कार्ड की वापसी की मुनादी करा दी गई है। जरा आप भी सुन लीजिए कि कैसे राशन कार्ड को लेकर आजकल यूपी में मुनादी कर वापस करने का फरमान सुनाया जा रहा है। ग्राम अलाउद्दीनपुर के कोटेदार रामप्रताप के कार्ड धारको सुनो। जिन कार्ड धारक के चरपहिया वाहन ट्रैक्टर 5 एकड़ जमीन सरकारी कर्मचारी शस्त्र लाइसेंस 5 की लाइसेंस 5 केवी जनरेटर एसी 100 वर्ग मीटर मकान या फ्लैट हो, वो अपना राशन कार्ड तहसील उतरौला में आपूर्ति कार्यालय में जाकर सरेंडर कर दे। अन्यथा जांच के बाद अगर अपात्र पाए जाते हैं तो गेहूं 24 रुपया किलो, चावल 32 रुपया किलो तथा चना नमक तेल बाजार भाव से रिकवरी किया जाएगा। उसकी समस्त जिम्मेदारी कार्ड धारक की होगी। अब इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मुफ्त राशन कार्ड देते समय तो कोई घोषणा न हुई, पर अब कुछ परिस्थितियों की शर्त रखकर राशन कार्ड को वापस कार्यालय में सरेंडर करने की मुनादी की जा रही है। अन्यथा इन राशन कार्ड से लिए गए गेहूं, चावल, चना, तेल व नमक तक को बाजार भाव से वसूलने की धमकी दी जा रही है। चुनाव निकल गया, पहचानते नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश में दो तरह से लोगों को राशन कार्ड दिया जाता है। एक तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार देती है, जबकि दूसरा प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत राशन दिया जाता है। लेकिन अब योगी सरकार ने यह तय किया है कि जो लोग अंत्योदय कार्ड धारक या फिर बीपीएल कार्ड धारक हैं, सिर्फ उन्हें ही इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा और बाकी लोगों को कार्ड वापस करना होगा। और तय समय के अनुसार अगर किसी ने कार्ड वापस नहीं किया तो अब तक लिए गए राशन की बाजार भाव के अनुसार वसूली की जाएगी। अब योगी सरकार के इसी फैसले को लेकर अखिलेश यादव हमलावर हैं। एक तरफ सरकार इस फैसले के पीछे तर्क दे रही है कि मजदूरी, रिक्शा चालक और गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए ये फैसला लिया गया है, जबकि अखिलेश यादव सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल अगर सरकार को ये फैसला लेना था तो 2 महीने पहले ले लेते, जब चुनाव चल रहा था। लेकिन सरकार ने चुनाव के वक्त इसलिए ये फैसला नहीं लिया क्योंकि सरकार को डर था कि इसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। इसीलिए चुनाव के वक्त मुफ्त राशन का ढिंढोरा पीटने वाली बीजेपी सरकार अब चुनाव जीतने के बाद अपना असली रंग दिखा रही है। बहरहाल सरकार के इस फैसले के बाद निश्चित तौर पर विपक्ष इसे लेकर सरकार को घेरेगा, जबकि ऐसे लोगों की मुसीबत बढ़ने वाली है जिनके पास कार, बाइक, एसी जैसी चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को अब सरकारी राशन की योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप भी सरकार की शर्तों पर खरे नहीं उतरते हैं तो तुरंत राशन कार्ड वापस कर दें, वरना सरकार को वसूली करने में समय नहीं लगेगा। और सरकार वसूली करने में कितनी आगे है इसका उदाहरण तो आपको हर रोज यूपी में देखने को मिल ही रहा है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट।